इशू हॉस्पिटल साईं प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटीवन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत, गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया स्वागत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति से दीक्षांत समारोह का हुआ आगाज, डिजिटल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बांटे छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेडल, पुस्तक का भी हुआ विमोचन। 5वें दीक्षांत समारोह को राज्यपाल सहित अतिथियों ने किया संबोधित, की छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना। सिटीवन संवाददाता से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने जाहिर की खुशी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एनएक्सी भवन में प्रदर्शनी अवलोकन के बाद विभिन्न संगठनों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ विद्यालय को खोले जाने पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी ने युवा पर्वतारोही नितेश सिंह को किया सम्मानित। बस स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया निःशुल्क चाय स्टॉल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सेंट एंड्रयूज कॉलेज के एनएसएस के छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। तकनीकी संवर्ग सहित 8 सूत्रीय समस्याओं को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य। डीडीयू के इंग्लिश विभाग के छात्र छात्राओं ने फ्रेशर्स पार्टी के दौरान एक दूसरे से किया वक्तव्य। और तमकुहिराज एसडीएम के खिलाफ मंडलायुक्त कार्यालय पर ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर, कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जारी रहेगा अनशन। मदन